अबे सर। हाँ जी मैडम। ये प्रॉपर्टी की मार्किंग कहाँ मिलेगी? क्यों मैडम जी, क्या बात कर रही हैं? एक मिनट, मैं आपको कॉल करती हूँ, उनसे मुझे काम है। कहाँ मिलेगी? समझ लो मैं ही प्रॉपर्टी की मार्किंग हूँ, अब बता दो क्या काम है। दो कौड़ी की नौकर होके मुझसे मजाक करेगी? जितना पूछा है उतना बता, बकवास मत कर। तेरी बकवास सुनने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे। मैडम बकवास? हाथ कैसे करके खड़ी है मेरे सामने? यहाँ पे सफाई करने वाली मेरे सामने अकड़ में खड़ी होगी। अरे तो तुम्हें किस बात की अकड़ है? अकड़? ये जितनी भी प्रॉपर्टी है इधर से उधर तक, इसे मैं खरीद के यहाँ पे क्लब बार सब बनवाऊंगी, जो आज की युवा पीढ़ी है ना ऐश कर सके, इंजॉय कर सके। और यहाँ के जो मालकिन है ना, उससे मेरी कॉल पे बात हुई थी, उसने बोला मैडम आप किस लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हो? तो मैंने उसको बोला मैं मंदिर बनवाऊंगी, स्कूल बनवाऊंगी। वो गवार, क्या जाने कि मैं यहाँ पे क्या बनवाने वाली हूँ। बस एक बार साइन हो जाए पेपर पे, फिर मैं उसे बताऊंगी कि मैं यहाँ पे क्या बनवाने वाली हूँ, जिससे मैं करोड़ों अरबों रुपए कमा सकूं। अच्छा मैडम, ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। और तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? तेरे को 2 मिनट नहीं लगेंगे यहाँ से हटवाने में। ये तेरा काम वाम, मैंने जो सोचा था तेरे को देख के शायद अच्छी होगी, काम वगैरह दे दूंगी बार में सफाई वफाई का, लेकिन तू उसके लायक नहीं है। अब जल्दी बता कि कहाँ मिलेगी मैडम। मैडम जी, थारे से मैंने एक बात पूछनी थी। हिंदी बोल, थारे मारे मुझे समझ नहीं आता है, समझी? मैडम ये पूछ रही थी कि आपने मार्किन से झूठ क्यों बोला। अबे ओ, तुझे क्या लगता है वो अनपढ़ गवार, मैं उससे सच बोलती? नहीं मैडम, वो पढ़ी लिखी है। तेरे से पूछा मैंने, पढ़ी लिखी है नहीं है, अनपढ़ गवार है, उसकी बातों से लग रहा था कितनी गवार है। वो भी तेरे जैसी बात कर रही थी थारे मारे करके। मैंने उसको भी बोला था कि मुझसे ऐसे बात मत करिए। और हाँ, उसे तो मक्खन लगाना पड़ रहा था क्योंकि मुझे उसकी ये प्रॉपर्टी जो खरीदनी है। मैंने उसको बोला मैडम ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मैं यहाँ पे मंदिर स्कूल बनवा दूंगी, जो आपका सपना कब से था बनवाने का। तो उसने बोला कि आप पक्का मंदिर और स्कूल ही बनवाओगे ना? मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला कि चलो ठीक है आप साइन करवाने आ जाओ, पर उसे क्या पता ये प्रॉपर्टी खरीद के मैं यहाँ पे क्लब और बार बनवाने वाली हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो जवान लोग आएंगे, लड़का लड़की, अच्छे खासे पैसे खर्च करेंगे और उससे मोटी कमाई होगी। उसे क्या लगता था स्कूल बनवा के कितने पैसे कमा लेती वो? लोग ना आजकल ज्यादा फीस भी नहीं देते, स्कूल की कुछ भी फीस नहीं होती, मंदिर पे चढ़ावा भी नहीं करते लोग, इतने कंजूस हो गए हैं। मंदिर स्कूल बनवाएगी, उसे तो मैं साइन कराने के बाद बताऊंगी कि यहाँ पे मैं क्या बनवाने वाली हूँ। मैडम बुरा मत मानना, छोटी बड़ी बात, मुझे नहीं लगता कि मार्किंग कभी आपको ये जमीन देगी, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि आप उनकी जमीन पे क्लब बनवा रहे हो, व्यवहार खुलवा रहे हो, तो किसी भी हालात में आपको ये जमीन नहीं मिलेगा। तेरे से पूछा कि वो मुझे देगी या नहीं देगी? उससे मेरी पहले ही बात हो चुकी है, वो आज साइन करने वाली है, और एक बार साइन कर दे फिर वो क्या, उसका बाप भी नहीं रोक सकता यहाँ पे क्लब बार बनवाने से। ठीक है मैडम जी। अबे कहाँ जा रही है बे, बता कहाँ मिलेगी वो? मैं ही हूँ प्रीति सिंह, इस जमीन की मालकिन। यहाँ की मालकिन तुम हो? तुम नहीं, आप। ये सारी खड़गों की प्रॉपर्टी है, ये मेरी है। क्या बोल रही थी, अनपढ़ गवार हूँ, जाहिल हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तुमसे ज्यादा ही पढ़ी लिखी हूँ, PhD कर रही हूँ। सॉरी मैम, वो तो मैंने बस मजाक में बोल दिया, यहाँ से तो मैं ये प्रॉपर्टी खरीद के स्कूल और मंदिर ही बनवाऊंगी। वो तो तुमने बोल दिया, सब कुछ बता दिया, अपने सच्चाई खुद अपने मुंह से बोले हो। तुम्हारी इतनी गलत नीयत, फोन पे तो ऐसे रू गिर गिरा रहे थे जैसे तुम्हें सख्त से सख्त जरूरत है इस जमीन की। ये अरबों की जमीन है जिसे मैं तुम्हें चंद पैसों में दे रही थी, और वो चंद पैसे से रजिस्ट्री रेट था। ठीक है, मैं तो बस मैडम मजाक कर रही थी, ऐसा बहुत हो गया। इतनी घटिया मजाक ना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यंगस्टर की जिंदगी बर्बाद कर दोगे? कभी नहीं, और मेरे रहते इस एरिया के बच्चे को तो कभी नहीं बिगाड़ सकते। और यहाँ पे मंदिर निर्माण ही होगा और स्कूल भी खुलेगा। क्या बोला तुमने, स्कूल में फीस कितने मिलते हैं, मंदिर में चढ़ावा कितना होता है? मुझे चढ़ावा और फीस नहीं चाहिए। और हाँ,
यहाँ पे स्कूल और मंदिर का ही निर्माण होगा और उसे बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और तुम मेरी भाषा को लेकर क्या बोल रही थी, मन्ने तन्ने? ये मेरी संस्कृति है, जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ का ही भाषा बोल रही है। जरूरी नहीं होता कि इंसान इंग्लिश में बात करे या हिंदी में बात करे वही पढ़ा लिखा होगा। अगर मैं अपनी गांव की कल्चर को बढ़ावा दे रही हूँ, इसमें बुराई ये क्या है? तुम जैसे लोगों की वजह से ना आज हमारा गांव पिछड़ा होता जा रहा है। ये तो गांव किसी शहर से कम नहीं होता। मेरा ख्वाहिश है कि यहाँ टॉप लेवल का स्कूल बने, जो इस गांव के सारे बच्चे ना सही तरीके से पढ़ सके, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए शहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। वैसे भी शहर की जिंदगी इतनी बेकार होती है, एग्जाम्पल के तौर पर तुम सामने ही खड़ी हो। और भी कुछ सुनना है, निकल जाओ यहाँ से।